अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। ओके, आवर रिवीजन फेज वी स्टार्टेड सून। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर रीडिंग, दैट इज़ द हमिंग बर्ड हु च्यूड बबल गम। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्टार्टर। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन अ सी वॉयज, अ स्टॉर्म ब्रेक्स आउट एंड योर शिप इज ब्लोन टू एन अननोन आइलैंड। You land on the island and discover that nobody lives there. What will you find? Where will you find shelter? आप देखें, वो कह रहा है कि आप इमेजिन करें कि आप और आपके फ्रेंड एक समंदर के एक जर्नी पे निकले हैं और एक तूफान आ जाता है जिसने आपका शिप तोड़ दिया है, ठीक है, और आप एक अननोन आइलैंड पे चले गए हैं, ठीक है। You land on the island to discover no, आप उस आइलैंड पे गए और आपने देखा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वो कह रहा है कि where will you find shelter, आप वहाँ पे किस कहाँ पना लेंगे। What will you eat, क्या खाएंगे। What will you drink, आप वहाँ पे क्या पियेंगे। How will you spend your time on the island, आप उस आइलैंड पे जहाँ पे कोई भी नहीं रहता वहाँ पे आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। How will you send a message to your families, एंड आप अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से मैसेज कैसे सेंड करेंगे। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ थ्री और फोर एंड डिस्कस द अबव क्वेश्चन। नाउ रीड द स्टोरी। ओके, आप बेटा अगर क्लास में होते तो ऑब्वियसली हम इसको ग्रुप्स में डिस्कस करके आप देखते कि हम क्या करेंगे, ठीक है। आप अपने ओन पे सोचें कि आप एक आइलैंड पे गए हुए हैं और आप वहाँ पे फंस गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस में से क्या आपको बेटर लगता है कि आप क्या करेंगे वहाँ पे। अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, टाइम पास कैसे करेंगे, ठीक है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, दैट इज़ द हमिंग बर्ड व्हिच च्यूड बबल गम। ओके, देयर वॉज अ लिटिल हमिंग बर्ड इन माई नेबरहुड। हमिंग बर्ड वो परिंदा होता है जो आप छोटा सा परिंदा होता है जिसकी बीक चोंच बड़ी होती है और वो हवा में स्टे कर सकता है, ठीक है। वो बैकवर्ड भी उड़ सकता है, शायद आपने कहीं देखा होगा, डिफरेंट कलर्स में होता है। तो वो हमिंग बर्ड के बारे में है, एक बच्ची अपनी स्टोरी सुना रही है कि एक हमिंग बर्ड रहता था उसके नेबरहुड में। इट यूजली सैट ऑन माई विंडो सिल, और वो अक्सर आके मेरी खिड़की में बैठता होता था। आई enjoyed her sing, मैं उसका गाना जो है वो शौक से सुनती थी। Suddenly I didn't see the little hummingbird for some days, कहती है अचानक क्या हुआ कि मैंने उस hummingbird को कुछ दिनों के लिए नहीं देखा। About a week ago a bad storm came along and blew all the worms away, वो कह रही है कि एक हफ्ता पहले ऐसे हुआ था कि एक बहुत बुरा तूफान आया था और उसने सारे कीड़े मकोड़े जो थे वो उड़ा के ले गया था अपने साथ। I felt sorry for the hummingbird. मुझे उस hummingbird के लिए बहुत अफसोस हो रहा था। She must have been hungry and so she must have flown away. तो वो कह रही है कि वो शायद बहुत भूखी होगी और इसलिए वो यहाँ से उड़ गई। I thought then one beautiful sunny morning a little hummingbird reappeared on my windowsill. कहती कि मैं यही सोच रही थी तो एक क्या हुआ कि एक खूबसूरत सुबह जब सूरज चमक रहा था तो वो लिटिल हमिंग बर्ड जो थी वो वापस आ गई ऑन माई विंडो सिल। वेयर हैव यू बीन, आई आस्क्ड द लिटिल हमिंग बर्ड, मैंने उसे पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। जस्ट आउट फ्लाइंग अराउंड, रिप्लाइड द लिटिल हमिंग बर्ड, कह रही बस ऐसे ही इधर उधर उड़ रही थी। डिड यू फाइंड एनीथिंग टू ईट, मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। ओ देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड, कहती है ओ खाना तो बहुत है। बट ऑल द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ वर ब्लोन अवे बाय द लास्ट वीक स्टॉर्म, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड इन अ सैड वॉइस। तो लिटिल हमिंग बर्ड क्या कहती है कि वो जितने भी पतंगे थे, जितने भी छोटे छोटे वो टुकड़े होते हैं घास के, वो सारे जो पिछले हफ्ते तूफान आया था उसके साथ उड़ गए। आई एम सॉरी टू हियर दैट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के, अब तुम क्या करोगी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द लिटिल हमिंग बर्ड श्रग्ड हर फीदर्स एंड सेड, अब जो छोटी सी हमिंग बर्ड है उसने अपने परों को फड़फड़ाया और कहा आई एम नॉट श्योर बट आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी लेकिन क्या आप मेरे साथ कोई फेवर कर सकती हैं। श्योर एनी थिंग आई सेड, मैंने कहा जो भी तुम कहो। कैन यू प्लीज़ गिव मी सम बबल गम, वो हमिंग बर्ड से कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बबल गम दे सकती हो। आज द लिटिल हमिंग बर्ड ने कहा। आई वॉज सरप्राइज दैट द हमिंग बर्ड वुड आस्क फॉर बबल गम,
ठीक है जी। मैं बहुत हैरान हुई कि हमिंग बर्ड ने बबल गम्स का क्या करना, वो क्यों बबल गम मांग रही है। बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड, कहती है लेकिन मुझे अपने फ्रेंड के साथ बबल गम को शेयर करके बहुत खुशी हुई। द लिटल हमिंग बर्ड शूड द गम बॉल्स एंड देन ब्लू अ बबल बिगर देन हर बॉडी, कहती है कि वो उसने चुबाया और अपने बॉडी से बड़ा उससे बबल बना लिया। थैंक्स शी सैड एंड फ्लू अवे, उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटल हमिंग बर्ड वॉज बैक, अब क्या हुआ कि अगली मॉर्निंग जो थी वो लिटिल हमिंग बर्ड वापस आ गई। शी आस्क्ड फॉर अ फ्यू मोर पीसेज ऑफ बबल गम, और उसने कुछ और पीसेज बबल गम के मांगे। आई डिड नॉट नो वाई शी वॉन्टेड बबल गम, कहती है मुझे तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्यों बबल गम मांग रही है। बट आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद हर, लेकिन मुझे उसके साथ ये बबल गम शेयर करके मज़ा आ रहा था। शी थैंक मी अगेन एंड फ्लू अवे, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। टू डेज लेटर इट वॉज नाइस सनी, कह रही कि दो दिन बाद अच्छा मौसम था। आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, मैं बाहर खेल रही थी। सडनली आई हर्ड द वॉइस कॉलिंग आउट, मैंने अचानक मैंने अपना नाम बुलाने की आवाज़ सुनी। आई लुक्ड अराउंड बट डिडंट सी एनी वन, द वॉइस कॉल्ड आउट माई नेम अगेन। दिस टाइम आई रियलाइज दैट इट वॉज कमिंग फ्रॉम द ओक ट्री इन माई बैक यार्ड। आई सॉ द लिटिल हमिंग बर्ड अप टू द ट्री, शी वॉज सिटिंग इन रेड ऑरेंज एंड ब्लू नेस्ट। अब जो उसको बुलाने की आवाज़ आ रही थी वो उसके बैकयार्ड में जो ओक ट्री था उससे आ रही थी, और वो जो हमिंग बर्ड था वो क्या कह थी, उसने देखा कि वो हमिंग बर्ड वो रेड ऑरेंज और ब्लू नेस्ट में बैठी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। लुक वॉट यू हेल्प मी बिल्ट, वो हमिंग बर्ड से कहती है कि देखो तुमने कैसे मेरी मदद की इसको बनाने में। सेड द लिटिल हमिंग बर्ड, व्हाट डू यू मीन आई आस्क्ड। वेल देयर वरंट एनी ट्विग्स और स्ट्रॉ लेफ्ट आफ्टर द स्टॉर्म, आई नीडेड समथिंग टू बिल्ड अ नेस्ट वेयर आई कुड ले माई एग्स, कहती है कि कोई पतंगे तो रहे ही नहीं थे, कोई घास फूस के टुकड़े तो रहे ही नहीं थे, और मुझे एक अपना नेस्ट बनाने के लिए कोई जगह चाहिए थी ताकि मैं अंडे अपने दे सकूँ। योर बबल गम हेल्प मी टू बिल्ड दिस नेस्ट, और आपका जो बबल गम था उसने मुझे ये नेस्ट बनाने में मेरी हेल्प की। थैंक यू वेरी मच, सेड द लिटिल हमिंग बर्ड। आई क्लाइम अप द ओक ट्री एंड श्योर एनफ देर वर टू लिटल एग्स द साइज ऑफ द जेली बीन्स लेइंग इन द नेस्ट मेड ऑफ बबल गम। I told myself, I'm so happy I shared my bubble gum with the hummingbird. She has been able to build her nest because of it. ठीक, वो जब कहती है कि मैं ओक ट्री के ऊपर चढ़ी और मैंने देखा कि दो जेली बीन्स के साइज़ के छोटे छोटे एग्स जो हैं वो रेड ऑरेंज और ब्लू नेस्ट में रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना बबल गम जो है वो हमिंग बर्ड के साथ शेयर किया। सो डू रिमेंबर टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, ठीक। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें। ठीक है, डू दिस रीडिंग बॉयज टू और थ्री टाइम्स एंड सेंड योर वीडियोज़ टू मी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।